दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। और द न्यू भारत की तरफ से हम आज उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। मैं रवि शुक्ला आप लोगों का आज के युवा द सीट फॉर अ डेवलप्ड नेशन हमारे इस खास कार्यक्रम, सुपर एक्सक्लूसिव कार्यक्रम जो हम मंथली करते हैं, इस कार्यक्रम में आज एक खास मेहमान के साथ एक बार फिर उपस्थित है। तो आइए आज मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। आपको स्क्रीन पर अब दिखाई देंगे हमारे आज के खास मेहमान आदरणीय मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा जी, अति विशिष्ट सेवा मेडल। सर, द न्यू भारत के इस पटल पर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रवि। साथ में हमारे साथ हमारे युवा साथी यानी ध्रुव प्रसाद, कृष्णा कर्नाके, प्रियंका चौहान, अदिति हिरे खान। ध्रुव प्रसाद नागपुर महाराष्ट्र से एस्पायर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा कर्नाके भोसला मिलिट्री स्कूल नागपुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। प्रियंका चौहान केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति हिरे खान दादा रामचंद बाकरू सिंधु महाविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रही है। और इन युवाओं के साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं अति विशिष्ट मेहमान जिन्होंने भारतीय सेना को अपना जीवन दिया है, जिन्होंने भारत का नाम विश्व के सम्मुख सुनहरे अक्षरों में रखा है आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में, अति विशिष्ट सेवा मेडल के रूप में आप सम्मानित किए जा चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति के हस्ते आपको सम्मानित किया गया है। आप टेडेक्स मोटिवेशनल लीडरशिप स्पीकर के रूप में भारत ही नहीं विश्व भर के भीतर जाते हैं और युवाओं को प्रेरित करने का, युवाओं को देश के लिए समाज के लिए जीने का जज्बा जगाते हैं। तो हमारे साथ मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा जी हैं। और इससे पूर्व कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, यदि आप फेसबुक या यूट्यूब पर हैं तो आपसे वही निवेदन कि सब्सक्रिप्शन का बंधन बिल्कुल नहीं है, लेकिन यदि आप अच्छी चर्चाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे आज के 17वें कार्यक्रम युवा द सीट फॉर अ डेवलप्ड नेशन और टीएनबी के करीब 900 से अधिक कार्यक्रमों के बीच इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। सर, यदि आप इजाजत दें तो मैं एक एक कर अपने बच्चों को बुलाता हूं और आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। यस प्लीज लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सर। हमारे साथ आज चर्चा के भीतर जो युवा साथी हैं उनमें सबसे पहले हम प्रियंका के पास जाएंगे। प्रियंका, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज का हमारा जो तय विषय है उस विषय पर आप अपना प्रश्न रखें। और आज के जो हमारे विषय हैं, इंडियन आर्म फोर्स अ वे ऑफ लाइफ। हर कोई फिल्मों में जब देखता है भारतीय सेना को, जज्बे को, एक गर्व से फूला हुआ सीना और देश के लिए कर गुजरने का कुछ जज्बा, तो उसके मन में क्या सवाल आते होंगे आज हमारे युवा साथी जानेंगे। साथ में आयरन मैन चैंपियनशिप हर कोई सुनता है, हर कोई आज की तारीख में देख रहा है, लेकिन आखिर भारत में इसके मायने, अपॉर्चुनिटीज, अवसर और चुनौतियां किस रूप में दिखाई देती है, इन दो विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चल रहे हैं हम हमारी आज की दिल्ली से जुड़ रही प्रियंका के पास। प्रियंका, आपका सवाल। गुड इवनिंग सर। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौहान फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी न्यू दिल्ली। इट्स माय ड्रीम टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, सो व्हेन आई हर्ड दैट आई एम गेटिंग अ चांस टू इंटरेक्ट विद यू, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीएनबी प्लेटफॉर्म फॉर गिविंग मी सच अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी। इट्स अनबिलीवेबल सर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड एनी स्पॉन्सरशिप और एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर दिस आयरन मैन ट्राइथन, और वी हैव टू स्पेंड फ्रॉम आवर ओन रिसोर्सेज? सो नो, देयर इज नो स्पॉन्सरशिप दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स यू, बिकॉज द आयरन मैन इवेंट इज एक्चुअली इंडिविजुअल इवेंट एंड यू हैव टू टेक पार्ट एज एन इंडिविजुअल फॉर योर पर्सनल by your personal choice. It is not that you are being selected by the army or by the government to go and represent the country. Okay, so you need to make all your preparations yourself. You have to train yourself. You have to spend on your equipment, on your travel, on your registration, and everything else which goes for the Ironman on your own. So there's no sponsorship available. But in case somebody feels that they don't have the money, but they want to take part, then there are ways by which you can look for sponsorship. And one of the ways is to look for crowdfunding.
Now, you know, you can say that you are a person who's keen to do the Ironman and you don't have the resources and you require so much of money, and therefore you can make a little campaign which can go on social media, whether it's Facebook, on YouTube, on Instagram, and ask for people to help you. And then people do crowdfunding. And I know some people have even gone and collected money up to 40, 50 lakhs to climb Mount Everest by using crowdfunding. So that is one way that you can actually look for money to do it. Or then you can approach some corporate houses to say that, you know, I want to do it if you can help me out. And they have budgets to sponsor adventure activities and such activities. Thank you, sir. जी. प्रियंका के सवाल के साथ ही और एक ऐसा सवाल जो कि बहुत जरूरी सवाल कि हर कोई चाहता तो है लेकिन पता जरूर होना चाहिए. और हमारे साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए जुड़ गए हैं कैप्टन उन्नीकृष्णन सर, जो कि रिटायर्ड हैं भारतीय सेना से ही और मेंटर हैं एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल नागपुर महाराष्ट्र के. सर, द न्यू भारत के इस कार्यक्रम में और युवा द सीट फॉर अ डेवलप्ड नेशन के 17वें संस्करण में आपका स्वागत है. आगे बढ़ रहे हैं, अदिति आपके पास आ रहे हैं. अदिति, आपका सवाल. Good evening, sir. I'm very glad that I had this opportunity to interact with you. And for this, I would like to thank Pavitra Class for giving me this chance. Myself, Aditi. You have to speak a little louder. Aditi, close to your mic. Good evening, sir. Am I audible now? Yes. Yeah. Yes. Good evening, sir. I'm very glad that I had this opportunity to interact with you. And for this, I would like to thank Ravi Shukla, sir, for giving me this chance. So myself, Aditi Hirekan from Sindhu Mahavirakpur. So my question is, how you did your preparation for Ironman competition and how you manage your time with the official hours? So it's a very good question, Aditi. And the biggest issue which anybody has when they are chasing any kind of dream is time management. Because so much is happening in our life and we already have a routine that has been set. And from within that routine, now you have to find time to do whatever you want, whether it's me doing the Ironman or you chasing any other dream. So time management is very critical. In my case now, I had a job which kept me away from home for about 10 hours a day. So I would get back only in the evening at about 6 o'clock. But luckily, my job was 5-day week and therefore Saturday, Sundays were off. So I had the weekend with me and then I had the evenings after I got back from work on working days. But if you see the Ironman challenge, it is so grueling that you cannot train only on weekends. For those people who don't know what it is, the Ironman requires you to swim 3.8 kilometers in the sea or an ocean. You also then after that have to cycle 180 kilometers and then run a full marathon of 42.2 kilometers. And all this takes a lot of time to train. So if I was to give you an example of how much time is required to swim 3.8 kilometers, it is about 1 to 2 hours. To cycle 180 kilometers, you need between 6 to 7 hours. And to run a marathon of 42 kilometers, you need between 4 to 5 hours. And that type of time is not available on the working days where I am getting back home only at 6 in the evening. So when this happened and I had to train, I knew that I need to look for some out-of-the-box training schedule, which will not in any way compromise my work at office and yet give me time to train in a reasonable manner so that I can prepare for this tournament. So what I did was I used to come back from work, have a quick bite, change, and then go for a run from 7 at night to approximately 10 o'clock. And that would vary whether it was 1 hour of run or 2 hours or 3 hours, depending upon how long I wanted to run, because every day you can't run 42 kilometers. So, but that was the slot I kept for myself. Thrice a week, I would run. Twice a week, same time, I would swim.
The cycling part, like I told you, takes 6 to 7 hours, and I would reserve that for weekends. So on a Saturday night, when, you know, all my friends were partying, because you know how Saturday nights are, it's a weekend, you've had a busy week, and now this is the day you want to let your hair down, because next day you have a holiday. So I would have to refuse the social invites I had for parties or other things. And I would get onto my cycle at about 2 o'clock on a Saturday night and cycle up to 9 a.m. on a Sunday morning. Now, that was almost the entire night, because that would be about 7 hours. It was very dangerous cycling at night, but I had an advantage to cycle at night because I'm in Delhi, and the temperatures in summer, especially the 3-4 months preceding my event, which was on 1st of July, March, May and June are very, very hot. The sun is strong. That leads to a lot of, dehydration. There is pollution on the roads. There is traffic on the roads. So at night, all this is less. So I would cycle at night. And that's how I manage my time. So time management is something that each one of you will have to look at whenever you're chasing something which you want to achieve. बिल्कुल अदिति, उम्मीद है कि सर ने जिस तरह से उत्तर दिया और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को उदाहरण के रूप में रखा, हमें यकीन है कि उस उदाहरण के साथ ये युवा साथी और जो अभी सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, उन्हें भी नया कुछ देखने, सुनने और सीखने मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ में कृष्णा कर्नाके हैं, और अच्छी चीज यह है कि मिलिट्री स्कूल से आते हैं और जज्बा रखते हैं कुछ कर गुजरने का। चलिए कृष्णा आपके पास आ रहे हैं, अपना सवाल करें। गुड इवनिंग सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू टीएनबी टू प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम कृष्णा कर्नाके फ्रॉम घोषणा मिलिट्री स्कूल नागपुर, एंड माय क्वेश्चन इज सर, जैसे कि एसएसबी में बहुत सारे टाइप्स के टेस्ट होते हैं, जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तो ये आर्मी में इसके क्या यूजेस और एप्लीकेशंस होते हैं? तो जितने टेस्ट होते हैं ना एसएसबी में, उनका कोई यूज आर्मी में नहीं होता। एसएसबी में क्या कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप में वो काबिलियत, ऑफिसर बनने की काबिलियत है या नहीं, वो आपका पोटेंशियल चेक कर रहे हैं। जो टेस्ट आपको करेंगे उसका इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं होगा, मगर उन टेस्ट से वो ये जानकारी हासिल करेंगे कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप में रीजनिंग की कैपेबिलिटी है या नहीं, आप में सोचने की और सिचुएशंस को टैकल करने की काबिलियत है या नहीं, आप में कितनी ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब आपको एसएसबी में वो चेक करते हैं। तो इनका डायरेक्ट कोई इम्प्लीकेशन आर्मी में नहीं है, मगर इनका इम्प्लीकेशन उन 5 दिन जो आप एसएसबी में गुजारते हो उनके साथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका आईक्यू, आपका इंटेलिजेंस, आपकी जितने मैंने क्वालिटीज बताए वो सब वो चेक करने के लिए आपसे ये क्वेश्चंस और ये टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स होते हैं उनके लिए आपके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, और फिर अगर वो डिसाइड करते हैं ये सब टेस्टिंग के बाद कि आप में काबिलियत है एक ऑफिसर एंड लीडर बनने की, फिर आप एसएसपी क्वालिफाई हो जाते हैं। जी, उम्मीद है कि कृष्णा को अपने सवाल का जवाब मिला होगा। कृष्णा के बाद हमारे साथ कैवल्य जुड़े हुए हैं, युवा साथी हैं और 11वीं में पढ़ते हैं। कैवल्य, आपका अपना सवाल। हेलो सर, गुड इवनिंग। सर मेरा यह है कि मतलब जब आपने वो आयरन मैन की मैराथन जब जीती थी, तब आपकी जो एज थी वो 58 थी, तो यूजुअली जब देखा गया है कि इंडिया में 45 की एज में और 45 से लेके 50 की एज में लोग मतलब बहुत ही वीक हो जाते हैं, जैसे तुम्हें घुटनों का दर्द होता है, कुछ भी ऐसा दर्द होता है, तो वो लोग ज्यादा काम नहीं कर पाते या मतलब रेस्ट लेना चाहते हैं। और आपने जो 58 की एज में जो मैराथन जीती सर, वो बहुत ही बड़ी बात होती है, तो उसके पीछे आपका कोई मतलब मोटिवेशन था या कोई ऐसी चीज आपके मतलब वो आपकी जो एज थी वो आपके मैराथन के मतलब आड़े नहीं आ रही थी? So, एक पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपने बताया कि 45 से आगे लोग थक जाते हैं या लोग वीक हो जाते हैं,
ये आपकी सोच है, आपकी बॉडी जो है वो ऐसे नहीं सोचती, आपका माइंड ऐसे सोच रहा है। सो क्या होता है, जैसे जब आपने सुना होगा एज इज जस्ट अ नंबर, जब बोलते हैं एज इज अ नंबर तो ये आपके माइंड के लिए है, आपकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा है आप जब ये सोच रहे हो। मगर जो भी आप कार्रवाई करते हो उससे सबसे पहले कार्रवाई होती है आपके माइंड में, जैसे वो बोलते हैं ना इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। सो सारी बैटल जो स्टार्ट होती है पहले दिमाग में होती है, उसके बाद ग्राउंड के ऊपर होती है। अगर आप खुद ही सोचेंगे कि मैं अभी 45 इयर्स का हो गया हूं और मैं थक गया हूं, मेरे को कुछ होगा नहीं, तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप ही सोचेंगे कि अभी 45 मैं तो बहुत यंग हूं, अभी तो मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है और मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो मैं नहीं समझता हूं कि 45 कोई एज है, मैं तो ये भी नहीं समझता हूं कि 62 कोई, मैं भी 62 का हूं और मैं ये समझता हूं मैं बहुत यंग हूं और मैं अभी 58 से फिट हूं, मैं 40 से भी फिट हूं। ठीक है, अभी मैं आयरन मैन का इवेंट करके आया हूं 2 अक्टूबर को, ये मेरा थर्ड आयरन मैन इवेंट था इसी 2 अक्टूबर को स्पेन में। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई 45 का रेलेवेंस है। मगर ये कहने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे साथ होता क्या है कि हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में लोगों का ये आदत है कि सबको एक कंपार्टमेंट में डाल देते हैं कि ओके ये जो है ये अभी यूथ है, अभी ये मिडिल एज हो गया, अभी ये 45 एंड अबव हो गया तो ये अभी वीक हो गया, अभी ये 60 का हो गया तो ये बुढ़ा हो गया, और 70 का है तो इसको अभी मतलब पता नहीं कोई सपोर्ट। तो ये हमने सोसाइटी में ऐसे सोच बना दी है, और जब हम ये ऐसी सोच बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारा माइंड भी उसी सोच के मुताबिक कार्रवाई करना शुरू कर देता है। सो जब हम आपने सुना होगा लोग कहते हैं बिहेवियर एज, इसका क्या मीनिंग है, एज का क्या मीनिंग है बिहेवियर एज? कोई एज नहीं होती कैसे आपने बिहेव करना है, केवल सिचुएशंस होती हैं आपने कैसे बिहेव करना है। मगर हम कहते रहते हैं कि देखो अभी आपकी शादी होगी अब आप बिहेवियर एज, अभी आप पेरेंट बन गए हो आपके बच्चे हो गए बिहेवियर एज, अभी आप ग्रैंड पेरेंट बन गए हो बिहेवियर एज। तो ये सब माइंड गेम है। आपकी जो एज है जो एक्चुअली मैटर करती है वो है आपकी बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज के दो हिस्से होते हैं, एक फिजिकल एज और एक मेंटल एज। सो फिजिकली आपकी क्या काबिलियत है वो आपकी एक्सरसाइज, आपके इंटरेस्ट्स, आपकी बॉडी की कंडीशन के ऊपर डिसाइड होता है। मेंटली आप क्या सोचते हो, अपने आप को कैसे समझते हो, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर आप सोचते हो जैसे मैंने कहा 45 के ऊपर मैं बुढ़ा हो गया हूं, तो आप बुढ़े हो गए। अगर आप 70 पे भी सोचते हो कि मैं अभी यंग हूं, तो आप यंग हो। सो क्रोनोलॉजिकल एज से मत जाओ, 45 का जो आपने बेंचमार्क रखा था वो क्रोनोलॉजिकल एज है, वो कोई नहीं चेंज कर सकता, वो होती है फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ अप टू 45 इयर्स। बट मेंटल एज एंड फिजिकल एज आपके हाथ में है, आप मेंटली यंग एंड फिजिकल यंग आपकी काबिलियत से हमेशा हो सकते हो और रह सकते हो। मैं भी यही समझता हूं, इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एज की। मैंने 58 के ऊपर किया आयरन मैन, मैंने जाके नेक्स्ट ईयर 59 के ऊपर किया, अभी मैंने आपको बताया मैं 62 के ऊपर करके आया हूं, 62 मतलब मैं जनवरी में 63 का हो जाऊंगा, सो 62 प्लस, और मैं अगले साल जब मैं 64 का होऊंगा मैं दोबारा करके आऊंगा। सो एज इज ओनली अ नंबर। जिस तरह से सर ने बताया कि एज केवल एक नंबर है, केवल अंकों का खेल है, और इसी प्रकार से जैसा कि अभी अभी सवाल केवल ने किया, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सम्मुख आती है। और इस कार्यक्रम के भीतर में जब भी इससे पूर्व मेहमान आए हैं, चाहे वो सुरेश प्रभु जी हो, चाहे मेधा पाटकर जी हो, चाहे फिर वो मेजर जनरल राजन कोचर जी हो या अन्य मेहमान, सभी सिर्फ एक बात कहते हैं कि आपको खुद पर विश्वास करना चाहिए। प्रियंका आपके पास आ रहे हैं आपके अगले सवाल के लिए। प्रियंका ओके सर, सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वाज योर टफेस्ट पोस्टिंग और एनी प्लेस वेयर कंडीशंस वर अनफेवरेबल टू यू एंड हाउ यू सर्वाइव और सस्टेन देयर। सर एनी सच इंसिडेंट्स इफ यू वांट टू शेयर। सो देयर आर मेनी पोस्टिंग्स ड्यूरिंग माय करियर टाइम व्हिच वर अनफेवरेबल बिकॉज़
we serve in different parts of our country, and you're aware that, you know, we have the deserts where temperatures are touching 52, 53 in the summer. We have our northern borders where even now there's insurgency going on in JNK. So whilst the climatic conditions may not be so harsh in JNK, but then the other situations are such where you have to be very wary of your surroundings. Then we have Leh and beyond, where you must have seen where the Chinese standoff was taking place, where temperatures touch minus 30, 35 degrees. Now, apart from that, I had a tenure also in a United Nations mission in Angola. And Angola is a country which was at war from 1975 after it got independence from Portuguese colonization. When the Portuguese left, the country had civil war, and the civil war was being backed by that time USSR, later Russia, which has now become Russia, and the Americans, because they had economic interests in that country. So when I went there, and I will talk of that, because I will first try and give you the situation that was in Angola. It was at war since 1975 when I went to Angola in 1996. So 21 years of war the country had seen. It's a big country, the second largest, second richest country in Africa, but had a population of only 10 million. And this war had left so many mines around. There were 10 million mines which were unaccounted for in Angola. And it was a common saying that for every Angolan, there is a mine. Now, the mines were not recorded. And you could step into the minefield without even knowing that you're stepping into it. And a lot of people were losing their limbs. Some were dying. And that was one huge challenge that we had in Angola, the mines. Thereafter, because the country had been at war and weapons were easily available, life didn't have much value because they had seen so much of death. Poverty was there. So there were people on the move with weapons and ammunition who were just looking to hold you up and steal whatever you had with you. So we had been told by the United Nations that if you are stopped and they ask you for your car, just give it away. And please do carry at least $20, $30 in your pocket, because if you don't have money to give to the person who holds you, he'll shoot you. So that was the environment. And in that, we operated for a year and a half. It was very exciting. It was scary. It was tense situations. There was a time when I was driving a car going to check out a ceasefire violation which had happened between the two factions which had been warring. So our main job was peacekeeping. Like I said, we were peacekeeping forces. We were not armed. And we used to go and oversee any hostile act which had happened between the two warring factions. Now, this morning, I was to go and check out one such violation. I was driving a car with me. There was another captain from Jordan sitting in front. And behind us were two liaison officers, one from the government side and one from the rebel side, whose job was to accompany us and help us with the ceasefire violation. And we got into a conversation. And as I drove, there was a right turn I had to take, which we missed. And suddenly, the liaison officer from behind shouted in Portuguese, Minas, Minas, that is mines. And because we missed that turn, we had gone into a minefield. Now, we had gone about 15 odd meters into this minefield, which was well marked on both the sides, but there was no barrier stopping that road, you know, entry. So we didn't realize we had gone into the mine. I braked, and those were very, very anxious moments, because now, to reverse out, we didn't know whether, you know, you can come back on the same tracks on which you had gone in. We had gone in, nothing had blown up. But when we came back, and, you know, there's a steering wheel, one small turn, you may go on a mine and you may blow up. It took me about 10 minutes to reverse those 15 meters. Everybody in the car was sweating. Nobody wanted to, you know, step out because you didn't know where the mines are. Those 15 minutes, when we reversed out, or 10, 15 minutes, after that, luckily, nothing happened. We took a sigh of relief. And so that was a situation which was something I recall very vividly and very, very clearly.
जब कोई सुनता है ऐसी चीजें अपने आप रोमांचित भी होता है और मुझे लगता है कि आगे बढ़ने की एक प्रेरणा भी आती है। जिस उत्सुकता के साथ में प्रियंका का ये सवाल था, हर कोई सीमा पर खड़े सिपाही से या देश के लिए लड़ने वाले से पहले यही पूछता है कि एक कठिन घड़ी आप बताइए, और उन बहुत सारी कठिन घड़ियों में से एक चुन के लानी पड़ती है सामने वाले को बताने के लिए। हमारे साथ ध्रुव प्रसाद है। ध्रुव हमारे साथ एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल से जुड़े हैं। ध्रुव, यदि आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल करें। ध्रुव, आर यू देयर? ध्रुव के साथ शायद अभी भी दिक्कत है। कृष्णा, आप अपना अगला सवाल करें। सर, जो सोल्जर्स सियाचिन जैसे जगह पर सर्व करते हैं, तो जहां सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है और वहां वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो फिर इतना जो विल पावर वो गेन करते हैं कि सरवाइव भी करेंगे और अपना जो वर्क है वो भी, तो ये वो कैसे बिल्ड करते हैं? सो हर काम जो मुश्किल होता है उसके लिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, एंड आर्मी की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि जब आप ज्वाइन करते हो, मान लो आप कॉलेज से आए हो, आपको आर्मी की ट्रेनिंग मिल रही है, या आप स्कूल के बाद एनडीए ज्वाइन करते हो, उस ट्रेनिंग के दौरान जो पूरा दारमदार है वो यही होता है कि आपको मेंटली इतना स्ट्रांग बना दिया जाए कि ऐसी सिचुएशंस जो आप लोग पूछ रहे हो, चाहे वो मेरी अंगोला की सिचुएशन हो या सियाचिन की आपने पूछा अभी, या काउंटर इंसर्जेंसी में या और भी किसी एरिया में जब आप ऑपरेट करते हो, तो आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको डर तो लगता है, आपको प्रॉब्लम होती है, वो जितनी कठिनाइयां आप सोच सकते हो सब होती हैं, मगर आपकी ट्रेनिंग आपको इतना वो काबिलियत दे देती है कि आप उस सिचुएशन में अपना काम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। ये कहने के बाद मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जब सियाचिन में कोई जाता है तो उसका टेन्योर वहां पे मैक्सिमम 3 महीने का एक टाइम पे रखते हैं, उसके बाद उसको नीचे बेस कैंप में ले आते हैं। इन 3 महीने के अंदर अंदर, ऑफ कोर्स आज की तारीख में अभी तो बहुत मॉडर्नाइज्ड वहां पे अकोमोडेशन है, जहां उसके अंदर आपको इतनी सर्दी नहीं लगती, मगर आप सोच सकते हो 80s में जब सियाचिन स्टार्ट हुआ था और उस समय जो सोल्जर्स वहां गए थे और ऑफिसर्स गए थे, उस समय हमारे पास ऐसा कोई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट इतने बड़ी तादाद में आया नहीं था, तो उनकी जो डिफिकल्टीज थी वो आज से मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 100% ज्यादा थी। तो थोड़े दिनों में आपको क्या होता है कि वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। वो मुश्किल घड़ी आपकी आपके लिए नॉर्मल घड़ी है, क्योंकि आपने वहां रहना है, खाना है, काम करना है, तो आप अपने कंफर्ट जोन में हो जाते हो। 3 महीने के बाद जब वो वापस आते हो तो आप सोचते हो कि अभी मैं आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन आके अच्छी जगह पे आ गया हूं, मगर आपको उन 3 महीनों में मालूम है कि आपने जाना है, तो वो एक एक्चुअली होप रहता है कि चलो ये 3 महीने खत्म हो रहे हैं, आप काउंट कर रहे हो कि चलो यू नो एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, इतने दिन निकल गए, अभी मैं छुट्टी जाऊंगा वापस जाके। तो ये सब आपको मोटिवेशन खुद अपने माइंड में बना के रखनी पड़ती है, ताकि उस मुश्किल हालात में आप एनर्जेटिक, आप हैप्पी ऑप्टिमिस्टिक रहें, नहीं तो बहुत आसान है आप मोरल डाउन कर लो, ओह मैं कहाँ फंस गया, मैं कैसे काम करूंगा, ये नहीं है वहां, वो भी नहीं है। तो ये सब बिल्कुल माइंड गेम है, जो कि मेंटल एंड्योरेंस से आप ओवरकम करते हो, और जैसे मैंने कहा वो मुश्किल घड़ी आपके लिए कम्फर्ट जोन बन जाती है, और उस कम्फर्ट जोन में आप काम करने के बाद वापस आते हो। यू नो जब यहाँ पे पेंडेमिक आया कोविड का, और सडनली एवरीथिंग बिकेम ऑनलाइन, जो लोग पहले स्कूल में पढ़ाते थे वो अभी ऑनलाइन पढ़ाते थे, और मैंने ये देखा कि एक साल पेंडेमिक के बाद भी लोग कह रहे थे कि यू नो ये बड़ा मुश्किल है, हमें कैसे हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि कई सिचुएशंस थी जहां पे लोगों ने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं किया, स्टूडेंट्स ने भी और टीचर्स ने भी, और दोनों को मुश्किल आ रही थी। ऑल्दो आफ्टर 1 ईयर, उस समय भी मैं ये एग्जांपल देता था कि 3 महीने में आप उस एरिया को अपना कंफर्ट जोन बना सकते हो, जो भी आपकी हालात है आप उसी को अपना कंफर्ट जोन, उस वही आपका यू नो लाइफ बैलेंस, वही है आपकी लाइफ, और अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कि यही मेरी लाइफ है अभी, तो आप हमेशा माइंड में उसके साथ लड़ते रहोगे,
और आपके माइंड में एंग्जाइटी, आपके माइंड में एंगर, आपके माइंड में यू नो टर्मोइल रहेगा कि मैं यहां से कब निकलूं, मैं यहां कब निकलूं। मगर अगर आप मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हो कि जो भी आपकी सिचुएशन है तो ये सारा आप आराम से कर सकते हो। मेंटली जो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है, कृष्णा के जवाब, सवाल के जवाब में सर ने कहा, उसे फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे फिर वह किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, चाहे फिर वो जाड़ा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, या जीवन के भीतर कठिन परिस्थितियां हो। अदिति आपके पास आ रहे हैं, माइक करीब करके फिर आप अपना सवाल करें। So my next question is, so what's your perception of success? My perception of success, success is something that gives you satisfaction and happiness. I don't think you can put some kind of a static, you know, like I can't say success is promotion or success is money or success is getting awarded. Success is happiness. Because finally, at the end of the day, what is your purpose in life? To be happy. How you derive that happiness varies from people to people. Now, when I say happiness, for somebody, happiness could be earning a lot of money. For somebody else, it could be earning a lot of respect. For somebody else, it could be getting satisfaction. People get satisfied by helping other people. So the, you know, they do a lot of charity work. So success is happiness for me. आप जिस तरह से अदिति के प्रश्न का सर ने उत्तर देते हुए बताया और अदिति के चेहरे पे मुस्कान है, मुझे लगता है कि उसको अपनी सक्सेस के पैमाने क्या होंगे, पैरामीटर्स क्या होंगे, वो तय करने में अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कैवल्य आपके पास एक बार फिर आ रहे हैं, आप अपना सवाल करें। यस सर, मेरा सवाल यह है कि मतलब इंडियंस पेरेंट्स जो होते हैं, इंडियंस मतलब कोई भी पेरेंट्स हो, वो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा मतलब बहुत ही अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं और उन्हें देखना चाहते हैं कि बहुत वो ऊंची पोस्ट पे हो या बहुत ही मतलब ऐसी जॉब कर रहे हो जिनसे उसका उनका घर चल रहा हो और वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जिए। पर देखा गया है कि मतलब बहुत सारे इंजीनियर्स जो होते हैं वो डिग्री तो ले लेते हैं पर उनका मतलब अगर हम एनालिसिस करें तो इंडिया में 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है। तो उनके पास डिग्री तो है पर वो अनएम्प्लॉयड क्यों है, तो इसके पीछे का रीजन जानना चाहूंगा सर। नहीं, आपने एक्चुअली दो सवाल मेरे से पूछ लिए मगर फाइनली उसको एक में बदल दिया, क्योंकि आप क्या प्रोफेशन चूज करते हो उसमें आपने बोला आपके पेरेंट्स आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं समझता हूं जब आपने इंजीनियर बोला तो ये पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका लड़का इंजीनियर बने, और फिर इंजीनियर बनने के बाद और वो सारी पढ़ाई करने के बाद उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो आपने ये पूछा कि नौकरी क्यों नहीं मिलती। अभी अनएम्प्लॉयमेंट आप देख रहे हो कितना हमारी कंट्री में है और वो अनएम्प्लॉयमेंट हर फील्ड में है। ये नहीं है कि आप पढ़ लिख के अगर इंजीनियर्स एंड इंजीनियर्स ही प्रोड्यूस करते जा रहे हो तो सारे इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग जॉब मिल जाएगी। इंजीनियर को जॉब मिल जाएगी, हो सकता है उसकी रिलेटेड जिसमें उसने इतनी पढ़ाई की है उसके रिलेटेड जॉब ना मिले। अभी ये तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात है, मगर मैं आपके जो शुरू में आपने बोला कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान लाना चाहता हूं। मेरा मानना यह है कि आपको अपनी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के ऊपर क्या जॉब वो चाहते हैं आपको करना चाहिए, ये टाइम खत्म हो चुका है इंडिया में। ये हो सकता है अर्लियर ऑन हम क्या जॉब लेते हैं वो डिपेंड करता था उससे हमको कितनी पैसे मिलते हैं, उससे हमको कितना यू नो ये अथॉरिटी मिलती है, हमारा शोषा कितना होगा। मगर आज की तारीख में स्पेशली आप लोगों के लिए मोस्ट जॉब्स आपको रीजनेबल अमाउंट ऑफ सैलरी देते हैं जिससे आप अच्छा अपना रहन सहन रख सकते हैं। सो आई वुड फील अभी जो आप जॉब सिलेक्शन कर रहे हो कि मेरे को क्या बनना है, आपको अंदर सोचना है अपने आप के लिए कि आपको क्या बनना है, नॉट आपके पेरेंट्स को क्या चाहते हैं कि आपने आपको क्या बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप
मान लो आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप इंजीनियर बनो और आपको इंजीनियर बनने के बाद बहुत बढ़िया नौकरी मिलती है, आप बहुत पैसे कमा रहे हो, बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत फेमस हो, मगर क्या आप खुश हो, क्या आप सेटिस्फाइड हो? हो सकता है आप सिंगिंग करना चाहते हो, या आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, या आप कुछ और सोशल वर्क में जाना चाहते हो, तो आपको हमेशा आपके अंदर एक हॉलोनेस रहेगी, वो सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं आएगी। ऑल्दो मैंने जैसे बताया कि आप रिच हो, आप फेमस हो, आप सक्सेसफुल हो, मगर आपको सेटिस्फैक्शन हमेशा वो हॉलोनेस अंदर रहेगी, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो जो आपका माइंड या आपको एक्चुअली करना चाहिए था। सो ये आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले जानो कि मैं करना क्या चाहता हूं या करना क्या चाहती हूं, और इसके लिए टेक्निक्स हैं। आप देखो पहले, सिंस मैंने आपको कुछ बताया तो मैं ये भी थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि आप पहले चेक करो कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिससे आप इंस्पायर होते हो, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। अगर मान लो आपको शाहरुख खान बहुत इंस्पायर करता है, तो क्यों इंस्पायर करता है शाहरुख खान आपको? उसमें ऐसी क्या चीज है जो आपको अच्छी लगे? उसका आप आंसर निकालो। तो शाहरुख खान मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ऐसे, उसके अलावा हो सकता है आपको अब्दुल कलाम हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो इंस्पायर करते हो, या हो सकता है आपको कोई बिजनेसमैन इंस्पायर करता हो। तो जो भी आपको इंस्पायर करता है, आप देखो क्यों हमको इंस्पायर करता है, उसमें क्या क्वालिटीज हैं जो हम अपने आप में लाना चाहते हैं, और उनको आप नोट करो। तो इससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि ये टाइप ऑफ जॉब मैं करूंगा तो मेरे को इसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। फिर आपने देखना है कि आप में क्या कमी है उस की तरह बनने के लिए, और वो गैप अगर आप क्लोज कर सको, चाहे वो एजुकेशन का गैप है, चाहे वो आपके जो पर्सनल क्वालिटीज है उसका गैप है, या जो भी गैप है उसको आपने क्लोज करना है, और फिर आपको अगर वो जॉब करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और मैं समझता हूं कि अगर आपका जो जॉब है और आपका जो पैशन है वो दोनों एक हो जाए, तो इससे बेटर सिचुएशन आप में आपकी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकती। अभी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि उन इंजीनियर्स को जॉब क्यों नहीं मिल रहा। हो सकता है जितने इंजीनियर्स की जरूरत है उससे ज्यादा इंजीनियर्स हैं, हो सकता है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही करेक्ट कंपनीज को अप्रोच करने की, बिकॉज फाइनली कंपनीज जब तक आप उनको करेक्टली अप्रोच नहीं करोगे तो उनको मालूम ही नहीं कि आप इंजीनियर बन के बैठे हुए हो। ये तो है नहीं कि जैसे ही आपने इंजीनियरिंग की तो आपकी कैंपस प्लेसमेंट सबकी हो जाती है, कुछ लोगों की कैंपस प्लेसमेंट होती है, कुछ की नहीं होती है। सो उसमें कई रीजंस हैं कि क्यों उनको जॉब नहीं मिल रही। केवल जी, केवल हमें उम्मीद है कि आपको उत्तर मिला होगा, और साथ में हमारे साथ इस कार्यक्रम में कैप्टन उन्नीकृष्णन सर जुड़े हुए हैं, और सर बड़ी बारीकी से सत्र को सुन रहे हैं, और दिख रहा है कि सर गाड़ी कहीं रुक करके सत्र में भाग ले रहे हैं। तो सर आपका इस पेशेंस के लिए, और आप जिस तरह से हमारे साथ बने हैं, तो हम आपका विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। मैं प्रियंका एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, आप अपना अगला सवाल लें। यस सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडियन आर्मी पीपल कम्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियंस, कास्ट एंड बैकग्राउंड्स, so how difficult it was for you to develop unity or a feeling of secularism among them? Firstly, let me tell you that there was no difficulty, none at all, because when you do difficult things together, and like I told you, the training is such that it is making you mentally strong. In that process you are doing difficult things, and when you do difficult things together, you there is bonding. When a soldier gets shot in battle and he needs blood, for example, to be given to him, the last worry is, ye kiska khoon hai, ye hindu ka hai, muslim ka hai, sikh ka hai, isai ka hai, usko nahi, ye usko khoon chahiye. So ye situation jo aapki hai, ye shuru se hi aapke andar isme, it is infused in you. So there is no such thing as caste, color, creed, language, no. Your first and only religion is the religion of the troops that you are working with. For example, meri regiment ek armored regiment hai, tankon ki regiment hai, aur usme hamare paas teen people come from three different communities.
हमारा एक स्क्वाडन है जाटों का, एक स्क्वाडन है खालसाज का, सरदारों का, और एक स्क्वाडन है राजपूत का. तो हमारी जो रिलीजन है एज ऑफिसर्स, हमारे यूनिट में एक मंदिर भी है, एक गुरुद्वारा भी है. संडे को हम मंदिर जाते हैं 1 घंटा, और 1 घंटा फिर गुरुद्वारा जाते हैं. जितने सिख ट्रुप्स हैं वो मंदिर में भी जाते हैं, और जितने राजपूत और जाट हैं वो गुरुद्वारा में भी जाते हैं. तो इस प्रकार से हमारी यूनिट्स में जो माहौल बनता है उसमें रिलीजन इज ओनली लाइक, इट्स लाइक अ नेसेसिटी, इट इज नॉट समथिंग विच इज ड्राइविंग यू. आपकी यूनिटी है आपका झंडा, आपका नाम नमक निशान, यूनिट का नाम, कंट्री का नाम, यूनिट का झंडा, कंट्री का झंडा, और आपकी इज्जत. और ये सब माहौल जो बनाते हैं ट्रेनिंग के दौरान, चाहे वो एकेडमी में ट्रेनिंग है चाहे यूनिट के अंदर ट्रेनिंग है, ये माहौल जो है वो आपको सेक्युलरिज्म और रिलीजन और कास्ट के ऊपर ले जाता है, और उस समय आप एक हायर आइडियल और हायर गोल की तरफ चलते हो, जो कि मैंने आपको बोला, नाम नमक और निशान. प्रियंका के बाद आगे बढ़ते हैं, कृष्णा एक बार फिर से आपके पास आते हैं. कृष्णा सर, जब आप ट्रायथलॉन की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जैसे कि कोई भी कंपटीशन या फिर ऐसी कोई चीज का अगर प्रिपरेशन करना रहता है, तो 1-2 दिन के लिए तो मोटिवेशन सबको आ जाता है, लेकिन फिर ये जो आपके जो एफर्ट्स थे जो आपने कंसिस्टेंसी में करे हैं, तो इसके लिए आपने क्या किया था? So, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जब भी आप कुछ मुश्किल काम कर रहे हो या कोई गोल को चेस कर रहे हो, तो उसमें समय लगता है और एफर्ट लगता है, एंड रिजल्ट्स जो हैं वो जल्दी नजर नहीं आते. सो क्या होता है कि थोड़े दिनों के बाद आप खुद ही क्वेश्चन करते हो कि मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं, मैं इतना जोर लगा रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो क्या ये होगा भी मेरे से या नहीं होगा. तो इस दौरान मैंने जो टेक्निक्स यूज की थी, सबसे पहले तो मेरे को ये नॉलेज थी कि रिजल्ट्स टेक टाइम, एंड देयरफॉर अलोंग विद हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस यू आल्सो नीड पेशेंस. सो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, जब भी मोरल डाउन होता है, और सबका मोरल डाउन होता है, आप चाहे एथलीट हो चाहे आप परफॉर्मर हो, सबका एक बैड डे होता है, जब यू नो यू आर नॉट फीलिंग गुड, योर मोरल इज डाउन. सो दैट इज नॉर्मल. But what differentiates a world-class athlete from somebody else is the ability to bounce back. आप कितनी जल्दी वापस आते हो एंड अपना मोरल अप करते हो. उसके लिए जो टेक्निक है, मैंने 2 टेक्निक इस्तेमाल की थी. सबसे पहली टेक्निक तो है विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन में मैं क्या करता था कि जब भी मेरा मोरल डाउन होता था, तो मैं सोचता था अपने माइंड में कि मेरे को कैसे फील होगा जब मैं आयरन मैन कंप्लीट करूंगा. क्या बात. सो मैं अपने माइंड में अपने आप को देखता था रेड कार्पेट के ऊपर भागते हुए, जो अपना कंपेयर है वो मेरा नाम अनाउंस कर रहा है कि विक्रम यू आर एन आयरन मैन, जो क्राउड है वो मेरा नाम लेके अप्लॉड कर रहा है, तो मेरे को उससे गूज बम्प्स आते थे और बहुत ही एनर्जी आती थी. सो उससे मोरल अप होता था कि यस, इतनी अच्छी फीलिंग आएगी. आप सोचो आपके पेरेंट्स को कैसे फील होगा, आपकी फैमिली को कैसे फील होगा, आपके फ्रेंड्स को कैसे फील होगा, आपको कैसे फील होगा, इससे आपका मोरल अप होता है. दूसरी टेक्निक जो मैं यूज करता था, और आपने कई बार देखा होगा, जैसे अभी हमारे हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, एथलीट्स अपने आप से बात करते हैं, सेल्फ टॉक. सो मैं अपने आप से भी बात करता था, और मैं बोलता था कि आई कैन डू इट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम द बेस्ट, आई विल कम आउट ऑन टॉप. सो हम रियलाइज नहीं करते, मगर ऐसे सेल्फ टॉक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है. सबकॉन्शियसली हमें वो मोरल हमारा अप होता है, और आपका पूरा मूड चेंज हो जाएगा. तो ये 2 टेक्निक मैंने यूज की, और बहुत इफेक्टिवली यूज की मैंने. सर जब आप बता रहे थे, तब मुझे लगता है कि जितने भी बैठे हैं या जो सुन रहे हैं, सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, गूज़बम तो उन्हें अब आ रहे होंगे कि जब आप अपने आप से बात करते हैं, और आपने जिस तरह से कहा अपने आप को उस सपने को पूरा होते हुए देखना, चाहे फिर वो रेड कारपेट पे दौड़ना हो, संचालक के द्वारा नाम का अनाउंसमेंट हो, या उस सक्सेस को, उस सपने को उस हकीकत का रूप दे करके, बस उसे कल्पना करके देखना और उसे हकीकत में बदलने के लिए फिर से लग जाना,
आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अदिति है। अदिति आपके पास आ रहे हैं, अपना सवाल माइक क्लोज करके बोलेंगे आप। मुझे पूछना था कि how you were focused towards your goal. As students, हम जल्दी distract हो जाते हैं चीजों से. So how can we avoid those distractions? So you can't avoid distractions. You have to find reasons to remain focused, and those reasons to remain focused is what is called motivation. And motivation is of two types. One is self-motivation, and one is you use external techniques to motivate you. Okay. Now, how do you do it? And I will try and explain to you. There are motivational techniques like goal setting. So, for example, you are chasing some kind of a dream, or you're preparing for an examination. What do you do? You make a syllabus that, okay, for the next 1 month, itna main training, itni main study karungi is subject ki, isme itne ghante maine dene hain. To aapne ek goal banaya aur usme aapne timeline bhi di. Phir next mahine ke liye ya next week ke liye, is prakar se aap ek syllabus banate ho. जब आप ये सिलेबस बनाते हो, इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आपने जब टाइमलाइन दे रहे हो कि कितनी देर में इस हिस्से को मैंने कवर करना है, उसमें आप अपने चीट डेज के भी अंदर डालो. हो सकता है एक दिन हो आपको कि मैंने आज मूवी देखनी है, आई वांट टू रिलैक्स, बहुत हो गया, वो एक आपने कुशन डे दिया. कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं है. हो सकता है आपके कहीं आपके पेरेंट्स को आपकी जरूरत पड़ जाए और आप उस दिन प्रिपेयर ना कर पाए. तो इस प्रकार से आपको देखना है वो कुशन कितना देना है, कितने परसेंट डेज आप कुशन डाल दो, और आपने अपना गोल बनाया. एक बार आपने ये गोल बनाया और उसको फिर चेज किया और उसकी तैयारी की, और गोल आपका जब अकम्प्लिश होगा कि मैंने बनाया था एक महीने में इतना सिलेबस मैंने कर लिया, करना है और मैंने कर लिया, तो उसको उससे आपको सेटिस्फेक्शन आएगी माइंड में. उससे आपकी मोटिवेशन बढ़ती है कि मैंने पहला गोल अपना कर लिया. तो ये तो है गोल सेटिंग टेक्निक, वे यू सेट अ गोल एंड यू चेस इट. अदर टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आर नाउ सोशल मीडिया. आजकल सोशल मीडिया बहुत है. अगर आपने एक ग्रुप बनाया मान लो व्हाट्सएप पे, और उसमें जितने आपके फ्रेंड्स हैं वो सब लाइक माइंडेड हैं, सब एक गोल को चेस कर रहे हैं, सब फोकस्ड हैं, और वो रोज बताते हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया, चाहे वो फिजिकली हो. आपने देखा होगा लोग अपनी फिजिकल फिटनेस की फोटोज पोस्ट करते हैं, आज मैंने इतना भागा, इतना भागी, इतना ये किया. उससे आपको भी मोटिवेशन आएगी. जब आप दूसरों के देखोगे कि ये सारे इतने फोकस्ड हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, तो उससे भी आपका मोराल बढ़ता है कि मेरे को भी करना चाहिए. तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर. आप अपने ऊपर पॉजिटिव प्रेशर डाल रहे हो, दूसरों का जो आउटपुट है उसको देखते हुए आपका मनोबल बढ़ रहा है कि मेरे को भी करना चाहिए. थर्ड टेक्निक जो मैंने इस्तेमाल भी की हुई है इज ऑफ अगेन पॉजिटिव प्रेशर, बट इट वाज पब्लिक प्लेजिंग. जब मैंने आयरन मैन की ट्रेनिंग स्टार्ट की तो 2-3 हफ्ते में मेरे को समझ आ गया कि ये ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होने वाली है और बहुत लंबी चलेगी, एंड हो सकता है कि कहीं रास्ते में मेरे को ऐसी टेम्पटेशन आए कि मैं क्विट कर जाऊं. मगर मैं क्विट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरा मैंने डिसाइड किया आयरन मैन करना, और अगर मैं क्विट कर गया तो लॉस मेरे को ही होगा. तो मैंने क्या किया, मैं सोशल मीडिया पे जाके मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं आयरन मैन करूंगा, पब्लिक प्लेजिंग. और ये करने से क्या किया, मैंने अपना रेपुटेशन, अपना नाम, अपनी सेल्फ एस्टीम को दांव पे लगा दिया. So I have put it all now at stake, and this made sure that there is no window I have left for me to escape. Sare windows aur darwaje band ho gaye, kyunki now if I quit, to jisne bhi padha hai mera social media post, wo sab bolenge ki dekho ye to aisi badi badi baatein kar raha tha, isse nahi hoga, humne pehle hi bola. So usse mere upar jo positive pressure pada ki quit nahi karna hai, इतना था कि मैंने रेस डे के ऊपर अपनी वाइफ को बोला दैट आई विल डाई डूइंग द इवेंट बट आई विल नॉट क्विट. सो दीज आर द टेक्निक्स यू कैन यूज टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड टू बी एबल टू अचीव व्हाटएवर टारगेट एंड गोल्स दैट यू सेट फॉर योरसेल्फ. एंड ऐसी कई टेक्निक्स हैं, मैंने अभी 2-3 बताई हैं जो मैंने इस्तेमाल की हैं.
मगर देर आर मेनी टेक्निक्स एंड यू कैन रीड अप ऑन इट. सो वेन यू यूज दीज यू कैन जनरेट दैट मोटिवेशन. एंड फाइनली यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज दैट सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है इज इक्वल टू सेल्फ लव. इफ यू लव योर सेल्फ एंड आई नो वी ऑल लव आर सेल्फ देन यू नीड टू डू वट एवर इज रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल विच इज गुड फॉर यू. आपने गोल बनाया, आपने टाइम लाइन दी और आप ही उसको नहीं फॉलो कर रहे हो तो इसमें लॉस किसको होगा? आपको. और जब आपको लॉस होगा तो दैट मीन्स यू डोंट लव योर सेल्फ. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट योर डिसिप्लिन टू डू थिंग्स लाइक इफ आई एम रनिंग एट नाइट एट 7 o'clock आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वर्क इट इज ओनली बिकॉज आई हैड दैट सेल्फ डिसिप्लिन बिकॉज आई लव माई सेल्फ. मैंने ही बनाया गोल और मैं ही ना करूं तो लॉस मेरे को ही होगा. सो रिमेंबर सेल्फ डिसिप्लिन इज इक्वल टू सेल्फ लव. सो दीज आर द टेक्निक्स यू कैन यूज टू कीप मोटिवेटेड. बिल्कुल. और सर ने कहा कि स्व अनुशासन स्व प्रेम की तरह होता है. और चर्चा को समाप्ति की ओर लेकर के चलते हुए जिस तरह से हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ मुद्दों पर बात हो, हमारे युवा छात्र जुड़े, सर हमारी कोशिश ये है, पूरी दुनिया को बदलने का जज्बा तो बहुत कम लोग रखते हैं लेकिन कोशिश ये है कि एक को भी हमारे इस पटल से दी एक या दो विद्यार्थी भी हर कार्यक्रम में हर सत्र में इंस्पायर होकर मोटिवेट होकर कुछ नया करने लगे तो मुझे लगता है कि हमारा कार्यक्रम साकार या सफल होता है. चर्चा के आखिरी सवाल के लिए मैं आ रहा हूं कैवल्य के पास. कैवल्य, आप अपना आज का इस चर्चा का आखिरी सवाल रखें, उसके बाद हम चर्चा को समाप्ति की ओर लेकर के जाएंगे. कैवल्य. यस सर, मतलब अगर कोई बॉय और गर्ल जो अपनी लाइफ में सक्सीड हो जाते हैं तो उनके पीछे उनके मॉम डैड या उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है. अगर मैंने सुना है कि मतलब जो बच्चा होता है 5 to 10 या 11 की जो एज होती है वही एज होती है उनको सिखाने की कि उनको उनके मतलब उनको संस्कार देने की और उनको अच्छी आदतें लगाने की. तो पेरेंट्स का मतलब इसमें क्या योगदान रहना चाहिए, उनको अपने बच्चों को ऐसी मतलब कैसी परवरिश देनी चाहिए कि उनका बच्चा मतलब आगे जाके उनका नाम ऊंचा मतलब उनका नाम रोशन करे. सी, आपने बहुत ही हिंदी मूवी डायलॉग्स वाला सवाल पूछा मेरे से, नाम रोशन करे कैसे परवरिश हो. तो ये सब छोड़ दो. आप जो भी पेरेंट्स हैं उनका मकसद ये होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दें. और एजुकेशन का मतलब पढ़ाई नहीं होता केवल, एजुकेशन इज एजुकेशन इन एवरी स्फीयर. कैसे बोलना है, कैसे यू नो रहना है, कैसे दूसरों के साथ बिहेव करना है, जो आप संस्कार बोल रहे हो वो एक्चुअली दीज आर लाइफ स्किल्स. एंड हर पेरेंट का ये एम होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को हर टाइप की एजुकेशन दें जिसमें लाइफ स्किल्स भी आए. कितना योगदान है कितना योगदान नहीं है डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, उनकी क्या सिचुएशन है, वो कितना टाइम आपको दे सकते हैं, उनकी खुद की एजुकेशन लेवल क्या है, उनके रिसोर्सेज क्या हैं. तो मैं नहीं समझता हूं कि ये बर्डन उनके ऊपर होना चाहिए. जब आप यंग हो, यस, आपका हैंड होल्डिंग वो करेंगे जितनी उनकी काबिलियत है, बेस्ट टू बेस्ट. उसके बाद आपको अपने ऊपर भी कुछ लोड लेना है. आपको बनाया है भगवान ने, आपको अकल दी है, आपको सब तरह की यू नो फैकल्टीज दी हैं. तो आपने पढ़ाई तो आपने करनी है. जैसे कहते हैं कि घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं मगर पानी तो घोड़ा ही पिएगा. सिमिलरली आपको हैंड होल्डिंग करेंगे आपके पेरेंट्स, आपको एनवायरमेंट देने की कोशिश करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करेंगे. काम तो आपने करना है और आप काम करोगे तो आप कुछ बनोगे. और आप काम नहीं करोगे तो पेरेंट्स जितना मर्जी धक्का लगा लें, जितना मर्जी जोर लगा रहे, कुछ नहीं होगा. ठीक है. सो इसमें जो मैं ये कहना चाहता हूं फाइनली, दैट यू हैव टू सी दैट इट इज योर लाइफ टिल यू गेट इन्वॉल्व एंड टिल यू पुट इन द हार्ड वर्क, टिल यू डू परसिवियरेंस, टिल यू आर कंसिस्टेंट, टिल यू आर फोकस्ड, इट विल नॉट हैपन. सो पेरेंट्स आर अ सपोर्ट सिस्टम. देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट हैव पेरेंट्स, who have nobody, who you must have seen, their stories are there for everybody to see, who inspiring stories hain, and they have done very well. Theek hai? So my message to you is, it is you,
एंड यू अलोन, दैट्स व्हाई आई सेड तुमने डिसाइड करना है तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारी लाइफ है, इफ यू लव योरसेल्फ फिर आप वो हार्डवर्क करोगे एंड वो परिश्रम करके ही आपको वो काबिलियत मिलेगी और आपका जो मकसद है वो हासिल होगा। बहुत शुक्रिया सर। केवल ने, मुझे उम्मीद है कि केवल ने हालांकि सवाल माता पिता के नजरिए से पूछा, लेकिन एक बेटे के नाते, एक बेटा या बेटी के नाते यदि किसी ने इसे स्वीकार किया सुना है तो उसे ये स्वीकार करना है कि हमारा 100% हमें देना है, क्योंकि माता पिता तो अपना 100% देने का काम करेंगे, उसमें वो किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। आज के युवा द सीट फॉर अ डेवलप्ड नेशन, जिसकी शुरुआत 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन हमने की थी, जिसमें इरा सिंघल, अमित जोगी, महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित जी और हमारे अति विशिष्ट मेहमान मेधा पाटकर जी के साथ हमने शुरुआत करते हुए यहां तक पहुंचे। और आज मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा अति विशिष्ट सेवा मेडल भारतीय सेना को समर्पित एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में भारत को विश्व स्तर पर पहचान भी दिलाई, और एक इकलौते ऐसे आयरन मैन है जिन्होंने सेना से जाकर के तीसरी बार इन्होंने यह खिताब प्राप्त किया है। सर, पूरे सेशन के बारे में आपको कैसा लगा, बच्चों के साथ बातचीत करके कैसा लगा, और अपना कोई ऐसा इस विषय से संबंधित यदि कुछ ऐसा लग रहा है कि छूट रहा है जिसका आप जिक्र करना चाहें, सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी बच्चे थे यहाँ पे और जिन्होंने मेरे से सवाल पूछे, बहुत ही अच्छे सवाल पूछे, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग, एंड मैं समझता हूँ ये सवाल सबके माइंड में आता है, और मैं बहुत खुश हूँ जो इन्होंने सवाल मेरे से पूछे। ये आपका जो प्रोग्राम है, सर्टनली ये जो लोग इसको देखेंगे, जिस भी आपके माध्यम पे देखेंगे, उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपको डिफरेंट पर्सनालिटीज से, आप डिफरेंट ओपिनियंस, एंड सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, एक सेपरेट ओपिनियन होता है, वो अपनी फील्ड में माहिर होते हैं, तो इनसे बहुत फायदा मिलेगा लोगों को। एंड लास्टली मैं एक मैसेज जो देना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को, वो ये है कि आप कभी भी ये मत सोचो कि जो भी आपका सपना है कि वो सच नहीं होगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था, ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम, एंड ड्रीम्स कैन ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स ट्रांसफॉर्म इनटू एक्शंस। तो आप सपना देखो, आप अपने माइंड को लिमिट मत करो। जैसे मेरे से पूछा था एक सवाल एज के बारे में, हम अपने आप को ही अपने माइंड से लिमिट करते हैं। सिमिलरली हम अपनी काबिलियत को जानते नहीं हैं, हमारी काबिलियत अनलिमिटेड है, हमारा माइंड ही केवल लिमिट करता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, या हमसे ये नहीं होगा, या ये मैं नहीं बन सकता हूँ या नहीं बन सकती हूँ। तो अपने आप को लिमिट मत करो, आप अपने सपने देखो, और उसके बाद एक बार आप सपना देखना शुरू करते हो तो आपका जो हार्डवर्क है, आपका जो फोकस है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है, जितने मैंने पॉइंट्स बताने की कोशिश की, उस लगन के साथ अगर आप अपने ड्रीम को चेस करोगे तो मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूं कि आपका सपना सच होगा। सो डोंट लिमिट योरसेल्फ, ड्रीम बिग एंड ड्रीम एंड ड्रीम एंड ड्रीम। क्या बात है, सपने देखना और उन सपनों के पीछे पूरी तरह से भिड़ जाना, जिस तरह से आज के मेहमान हमारे अपने अति खास, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा जी ने ध्रुव, कृष्णा, प्रियंका, कैवल्य और अदिति, जिसमें ध्रुव के साथ में तकनीकी खामियों के कारण उनका सवाल हम नहीं ले पाए, लेकिन कृष्णा, प्रियंका, कैवल्य और अदिति के साथ बातचीत की। सर, एक खासियत यह है इस कार्यक्रम की, इनके सवाल ना हम तक पहले आते हैं, ना हम इन्हें किसी प्रकार से कहते हैं कि आपको यही पूछना है, सब कुछ लाइव होता है, सारी चीजें, कोई चीज पूर्व निर्धारित नहीं होती, यहां तक कि एक भी सवाल हमें नहीं पता होता, उसके बावजूद 17वें संस्करण तक हम पहुंचे हैं, आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई कि ना बच्चों के सवाल में और ना ही किसी प्रकार की अन्य तकनीकी या अन्य अवरोध। बावजूद इसके हम आज 17वां कार्यक्रम हमारा पूरा कर रहे हैं। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, आप ही के साथ सेना से ही कैप्टन उन्नीकृष्णन जी हमारे साथ उपस्थित हैं, सेवानिवृत्त हैं, एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश ये होती है कि एजुकेशन सेक्टर से, जिस स्कूल से विद्यार्थी सहभाग कर रहे हैं, वहां से कोई एक हो
जो उनका मेंटर हो या हेड ऑफ द स्कूल हो, वो जरूर बैठ करके इसे सुने। तो मैं कैप्टन उन्नीकृष्णन सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप आज के इस मौके पर अपनी तरफ से अपना अनुभव और पूरे कार्यक्रम पर और विषय संबंधित यदि आप कुछ रखना चाहें, सर स्वागत है आपका। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू हैव हर्ड यू फॉर सो लॉन्ग। आई हैव बीन रीडिंग अबाउट यू एंड इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू हैव been a part of this show. You really are an inspiration for us, all of us for that matter. और जितने हमारे students हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ये ऐसा combination बहुत कम मिलता है, to get somebody who is a army general at who has the motivation for so long to continue to fight, like he mentioned, he was doing this even when he was in service. In service itself, you have enough things to fight for. To find time and have motivation to do this is extremely a great achievement. For the children, I think aap logon ko jitne points sir ne diye hain, wo aapko jindagi bhar kaam mein aayenge aap ye. Aur मैं मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो आप लोग कह रहे थे, आप सब सक्सेस के पीछे भागते हो, सक्सेस को आने दो अपने आप, अपने हार्ड वर्क पर काम फोकस कीजिए ताकि सक्सेस विल कम टू यू ऑटोमेटिकली। एंड हेंस इट इज नॉट अबाउट सक्सेस विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज योर, इट इज योर कंटेंटमेंट इन लाइफ। एंड टू बी कंटेंट इन लाइफ यू डोंट हैव टू बी रिच, यू डोंट हैव नीड टू हैव एनी prerequisite for that. So please ensure that just as what the points that sir has said, अपना अपना self goal बनाते रहिए और अपना पड़ाव अपने आप बनाइए, किसी का match नहीं करना है, including अगर आपके parents का dream पे मत work करिए, आप अपने dreams पर work करिए। I think that is the biggest lesson, at least I have learned from seeing him. I am of course much junior to him in it, but I think it will add a few more years to me having listened to him. Thank you. It has been really a pleasure, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, कार्यक्रम की खूबसूरती यही है कि विद्यार्थियों के साथ साथ सोसाइटी को एक अच्छा संदेश मिल जाता है और संदेश किसी भी रूप में जाए, बस अच्छी चीजें जानी चाहिए। तो आदरणीय अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा सर आपका, कैप्टन उन्नीकृष्णन सर आपका विशेष धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला। और सर जिस तरह से विक्रम सर व्यस्त रहते हैं, यदि आप लगातार उन्हें देखें तो उनकी व्यस्ततम दिनचर्या है, उसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। और सर हम आपका द न्यू भारत और हमारे समस्त युवा साथियों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्नीकृष्णन सर आपका धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ जुड़े ध्रुव प्रसाद, कृष्णा, प्रियंका, कैवल्य और अदिति, इनके विद्यालय, विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यालय के संचालक और इनके माता पिता का विशेष आभार, जिनकी बदौलत यह कार्यक्रम संभव हो पा रहा है कि उन्होंने इन्हें यहाँ बैठने की इजाजत दी, क्योंकि सोशल मीडिया पर बैठने की इजाजत देना बहुत महत्वपूर्ण है कि अच्छी चीजों से आप जुड़ें। हम सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहभाग लिया। सर बहुत शुक्रिया, मिलेंगे फिर अगले महीने इसी खास कार्यक्रम में किसी नए और विशेष मेहमान के साथ, नए युवा साथियों के साथ। तब तक के लिए विराम ले रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।